वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों मेरा तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज रीओपन द सिनेमा हॉल्स। सिर्फ सिनेमा हॉल्स नहीं, मॉल्स, जिम्स, ट्रेन सब कुछ ओपन करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सब इट्स हाई टाइम नाउ। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अभी ये कोरोना ये सब, क्योंकि अगर सिनेमा हॉल खोलेंगे तो वैसे भी 50% ऑक्यूपेंसी से खोल रहे हैं वो लोग, तो 50% ऑक्यूपेंसी से खोल रहे हैं वैसे भी सिर्फ सोशल डिस्टेंस तो है ही, तो डर किस बात का। और थिएटर ओनर्स पूरी तरह से तैयार है, थिएटर को सैनिटाइज कर रहे, फिर सब मास्क लगे जा रहे, तो डर किस बात का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि थिएटर खोलेंगे तो जिस दिन खुलेगा पूरा हाउसफुल थोड़ी होने वाला है, कुछ लोग शुरू शुरू में आएंगे, धीरे धीरे पब्लिक आएगी, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर बड़ी फिल्म आएगी जैसे कि अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है 27 जुलाई को बेल बॉटम, वो भी पक्का नहीं कि वो आ रही है कि नहीं, क्योंकि थिएटर्स खुलने की कुछ आसार ही नज़र नहीं आ रही। हाँ अगर वो फिल्म आएगी तो फिल्म पब्लिक देखने को डेफिनेटली टूट पड़ेगी देखने के लिए, हाउसफुल हो जाएगी। लेकिन कोई भी बड़ी पिक्चर आती है कोई भी किसी भी एक्टर की, तो फर्स्ट 3 डेज ही हाउसफुल होती है, फिर मंडे से तो थोड़ी, इट्स अ वर्किंग डे आफ्टर मंडे टू थर्सडे, तो उतनी पब्लिक देखने को नहीं आती। तो वैसे भी 50% ऑक्यूपेंसी होती है, अगर कोरोना जब था नहीं तब भी आप कोई मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखो तो 10-15 लोग ही थिएटर में बैठे होते हैं मंडे ट्यूजडे को, तो वैसे ही 50% से भी कम ऑडियंस होती है, देन इतना बड़ा हंगामा मचने की क्या जरूरत है। तो मेरे हिसाब से थिएटर खोल देने चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसी वजह से बेल बॉटम के मेकर्स जो अक्षय कुमार की फिल्म है वो लोग ट्रेलर रिलीज नहीं कर रहे, कि उनको भी शायद डर है कि ट्रेलर रिलीज कर दिया फिर थिएटर खुले नहीं तो फिर ट्रेलर स्टेल हो जाएगा, फिर लोगों का इंटरेस्ट उड़ जाएगा फिल्म देखने के लिए, इवन सो दैट्स व्हाई दे आर स्कैर्ड टू रिलीज द ट्रेलर। अब देखते हैं कि कब उस पिक्चर का ट्रेलर आता है और कब फिल्म रिलीज होती है, 27 जुलाई को रिलीज होती है या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस अगर जल्द से जल्द थिएटर खुलेंगे तो 27 तक आते आते लोग यूज टू हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट कमिंग टू थिएटर्स। डायरेक्ट 27 को खुलेंगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा, तो इज बेटर। तो अब से अगर आप आई थिंक 10-12 को खोल देंगे तो कुछ दिन तो लगेगा उसको सेटल होने के लिए, तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। पर थिएटर खोले तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी, उनका घर थिएटर के ऊपर चलता है, नॉट ओनली थिएटर्स, जो भी लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, जो लोग काम से जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेन से जाने को अलाउड है, दूसरों को जाने के अलाउड नहीं है। अभी क्या वो घर में बैठ के क्या करेंगे, दे कांट गो टू वर्क, सो लोग खाना क्या खाएंगे, सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए और जल्द से जल्द ये सब हटाना चाहिए। हालांकि आई डोंट बिलीव दिस कोरोना थिंग एट ऑल, मैं तो बिलीव करता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है ही नहीं, लेकिन पता नहीं अभी आई डोंट नो, आई हैव सीन सो मेनी पीपल नो दे गो टू द हॉस्पिटल्स, एकदम मरीले आदमी लोग वापस आ रहे, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज रीओपन द सिनेमा हॉल्स, नॉट ओनली सिनेमा हॉल्स, सब कुछ ओपन कर दीजिए। कि देख अगर कोरोना तो है ही नहीं, और अगर है, अगर जैसे जिस तरह से लोग बोल रहे हैं न्यूज़ में बहुत डेंजरस है ये, तो ये अगर वाकई में है तो ये और 5 साल जाने वाला नहीं है, तो जब जाने वाला नहीं है तो फिर डर किस बात का, खोल दो, जो होगा देखा जाएगा, जो डर गया वो मर गया, ऐसी बात है। ऐसे भी लोग घर में बैठ के भूखे मर रहे हैं, तो वो लोग तो यही कर रहे हैं, यही बोल रहे कि ट्रेन शुरू कर दो, हम लोग ट्रेन से जाएंगे, विल गो टू वर्क, जो हमको सैलरी मिलेगी उससे खा के तो मरिए, ऐसे भूखे मर के क्या फ़ायदा। तो लेट्स होप थिएटर जल्द से जल्द खुल जाए एंड एवरीथिंग बी नॉर्मल। ऑल आर वेटिंग फॉर द गारंटी कुमार, सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ऑन 27 जुलाई 2021। आई होप इट गेट्स रिलीज। सो गाइस इफ नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन इज वाई बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।